वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। गुड इवनिंग सर। सो इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड बच्चा। सो बेसिकली हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और हमने उसका साइक्लिक फॉर्म के बारे में पढ़ाई कर लिया है। और बच्चा, जैसे मैंने आपको कहा था, ये जो बायोमोल चैप्टर है ये इतना डिफिकल्ट लेवल का चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक रखते हैं। आपको उसका ध्यान रखना है और आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगेन बोलूंगा, चैप्टर बड़ा बहुत नहीं है, बस आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है और बच्चा उससे क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा आज हम बेसिकली डाई सैकराइड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, जो सुक्रोज होता है। जैसे कल हमने दीपिका ने प्रश्न में पूछा था कि डेक्सट्रो कब आता है, लिवो कब, मतलब कि डेक्सट्रो कब आ रहा है, लिवो कब आता है, डी फॉर्म कब होता है, एल फॉर्म कब होता है, उसके बारे में जैसे हमने देखा था एंड बाकी सारे बच्चे पूछे थे, तो वो वाला पार्ट बिग बस आएगा। हम उसको भी हम एक बार प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। सो बच्चों, क्लास स्टार्ट हम करते हैं रिकॉल टेस्ट है। तो बच्चा एक बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो आ रहा है बच्चों को, दैट इज आपका JEE 2018 में क्वेश्चन आया। क्या लिखा है? ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ अ चाय विल गिव डैश। तो बच्चा एनहेक्सेन सर, तो आप क्या बोलोगे बच्चा? देखो आप बोलोगे एनहेक्सेन आएगा। अब बच्चा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो JEE एग्जाम है ना, वो भाई साहब ने क्या किया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है। कंफ्यूजन कहाँ किया बच्चों? यहाँ पे आपका एन हेक्सीन लिखा है, मतलब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है ना। तो बच्चे होते क्या ना, जल्दी जल्दी में ऑप्शन बी भी टिक पाते हैं, तो इवन JEE एग्जाम उसको दिखेगा। तो देखना क्या बच्चों, ये आपका जो एन हेक्सीन आपको लिखा है वहाँ पे आपका कार्बन कार्बन सिंगल चेन है, उस पर आपको फोकस करना है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, ये आपका JEE 2018 में से और अच्छा इससे क्वेश्चन आया है। अगेन देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हम देखो बच्चों सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपका JEE 2022 का क्वेश्चन है जो कि हम पहले कर चुके हैं एंड इसी पार्ट से ही आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ओके तो बच्चा एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ठीक है ना। आप क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। तो मेन बात यह बच्चा, मेन बात यह है आपको समझ में ये आना चाहिए कि ये स्टीरियो सेंटर मतलब क्या होता है ना। तो बच्चों चाहे आपको स्टीरियो सेंटर बोलो या आपको काइरल सेंटर बोलो, दोनों का मतलब है कि मतलब क्या बच्चों कि आपका जो कार्बन है, जो आपका जो कार्बन बच्चों, कार्बन में आपका चार डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो बच्चा सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होता है बच्चों, कौन बोलेगा मुझे, अगर मैं ऐसा लॉन्ग चेन बनाऊं तो मैं यहाँ पे क्या किया बच्चों, चार कार्बन, चार मिनट तो चार कार्बन आ गया, ऊपर आ गया बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप, ऊपर आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, फिर क्या बच्चों का तो बच्चा ये हमने ग्लूकोज बना लिया। तो देखो बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका लीनियर फॉर्म है, ये आपका लीनियर फॉर्म है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, ग्लूकोज में बच्चों आपका स्टेज चेन में आपका चार सिटीजन आता बच्चों, कहाँ से आता बच्चों आता है, एक ये सिटीजन सेंटर पहला, पहला सिटीजन सेंटर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मतलब बच्चों कार्बन पे आपके चार अलग अलग डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब बच्चा ये क्यों नहीं होगा, बिकॉज आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि जो लास्ट लोग बच्चों वो आपका कायरल कार्बन नहीं है और वो आपका कायरल सेंटर भी नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे कि लीनियर में आपका चार कायरल सेंटर होता है। तो अगर आपको ये पता है तो आप क्या बोलोगे कि आपका ऑप्शन सी हट जाएगा और आपका ऑप्शन डी हट जाएगा। कि बच्चों पहला क्या आ रहा है बच्चा, क्या पहला आ रहा आपका लीनियर, अब बोला है साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात की है। तो बच्चा मैंने क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था
जब भी आपको साइक्लिक फॉर्म बनाना है तो कहना बच्चों को कुछ नहीं करना है, आपको इसका फिफ्थ कार्बन को और आपको पहले कार्बन को ज्वाइन कर देना है, आपको पहले कार्बन को और फिफ्थ ऑक्सीजन को ज्वाइन कर देना है। तो कैसे बच्चों का, अगर मैं ऐसे बनाऊँ यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे अगर मैं आपका एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो ये आपका ऐसा कुछ बना बच्चा, है कि नहीं सारे बच्चे? यस सर। अच्छा बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, इसको आप इसको पहले कार्बन लेके चलोगे तो पहले कार्बन क्या बच्चों, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ पे OH आएगा बच्चा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखना चाहिए था, डबल बॉन्ड O और H आना चाहिए था। अब क्या बच्चों का, ये H OH के पास जाएगा तो आपका पहले कार्बन OH आएगा, तो हम ये मांग के चलते हैं OH यहाँ बच्चों, OH आपका राइट साइड में है, मतलब कि बच्चों हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, अल्फा अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज, बोलो बच्चों क्या होता है? नहीं बच्चा आपको ये कहा था जो आपका अल्फा ग्लूकोस होगा, अल्फा ग्लूकोस में OH कहाँ पे आएगा बच्चों, आएगा राइट साइड में, राइट साइड में आएगा। yes, तो मैंने बोला था बच्चों अगर आपका राइट साइड में है तो डाउन जाएगा, जो लेफ्ट में होगा वो आपको अप जाएगा। तो अगर बच्चों अगर ये OH जो है अगर वो राइट में है तो क्या बोलोगे बच्चों, ये आपका OH डाउन गया ऊपर हज गया। अब क्या बच्चों ये आपका दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन क्या बच्चों आपका OH कहाँ पर है, OH राइट साइड में है, तो आप क्या बच्चों ऐसे बनाओगे यहाँ पे बनाओगे OH ऊपर OH। अब बच्चों तीसरा कार्बन, तीसरा OH कहाँ है बच्चों, लेफ्ट साइड में है, तो मतलब ये आपको ऊपर आएगा OH नीचे। अब फोर्थ कार्बन बच्चा क्या है बच्चों, OH राइट साइड में ऊपर OH नीचे ऊपर OH नीचे। अब बच्चों आगे फिफ्थ कार्बन, तो बच्चों देखो ये आपका आगे फिफ्थ कार्बन ऊपर आएगा आपका CH2OH और नीचे आ जाएगा H। तो ये क्या बच्चों, ये मैंने यहाँ मैंने आपका ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म बना दिया। तो बच्चों यहाँ पे कितना सिट्यू सेंटर है आप बोलोगे, आप ये कहोगे ये पहला सिट्यू सेंटर, बिकॉज यहाँ पे आप चार ग्रुप लगे बच्चे देखो, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, एक में ऑक्सीजन एक में कार्बन है, तो पहला सिट्यू सेंटर, फिर आपका दूसरा सिट्यू सेंटर, ये आपका तीसरा सिट्यू सेंटर, ये चौथा और ये आपका हो गया पांचवा। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, साइक्लिक में आपका पांच स्टीरियो सेंटर आएगा, तो आप क्या होगे, आप ये बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो बच्चों अगेन क्वेश्चन आ रहा है ग्लूकोज से, और एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2019 में, क्या सारे बच्चे लोग को ये पार्ट समझ में आ रहा है? यस सर। yes, प्रियंका yes, आंचल अंकिता साइना नैंसी दीपिका तन्वी एंड बाकी सारे बच्चे, ओके okay? तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में परफॉर्म करना और आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों अगेन हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2008 में, तो क्या लिखा बच्चों देखो लिखा है जो आपका अल्फा डी ग्लूकोस है, जो आपका अल्फा ग्लूकोस है और जो बीटा ग्लूकोस है, हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मर्स एनोमर, तो आप क्या बोलोगे वो कैसा होता बच्चों, ये होता है एनोमर। तो बच्चों अगर मैं आपको ये बोलूं कि एनोमर होता क्या बच्चों, तो हम ये बोलेंगे जो आपका अल्फा ग्लूकोस है और जो बीटा ग्लूकोस, बच्चों जो आपका कार्बन पहला कार्बन है, पहले कार्बन में क्या बच्चों OH का ग्रुप अलग है, अल्फा में आपका क्या बच्चों, अल्फा में आपको OH राइट साइड में है और बीटा में आपको OH लेफ्ट साइड में, इतना ही फर्क है और बाकी पूरा सेम आ रहा है। तो अगर आपका पहला कार्बन अलग है तो आप क्या बोलोगे, हम इसे बोलेंगे एनोमर, हम इसे एनोमर्स कहेंगे। क्या अभी आपको पार्ट सबको समझ में आया, कैसा आप बच्चों देखो ये क्वेश्चन जो है ये JEE 2008 के क्वेश्चन पेपर है, आप ध्यान दीजिए उस टाइम इसको AI3EE बोलते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में उसका नाम लिखा है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है। तो क्या सारे बच्चे ये पार्ट समझ गए, इस सल पार्ट के ऊपर कोई दिक्कत किसी को? नो सर। बहुत बढ़िया।
तो बच्चों हमने तीन जे क्वेश्चन कर लिया आपके सामने सामने। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो अगेन, ये मैंने आपको कल भी कहा था साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। जी मैंने आपको बोला था बच्चों कि यहाँ पे आपको ना इनका मेल्टिंग पॉइंट को नोट डाउन करना है। यस सर। किसका है इसको आपको नोट डाउन करना है। बाकी खाल ध्यान रखो, बाकी आपको आजा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये पार्ट बच्चा हमने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया। आगे बढ़ते बच्चों, ये दो सेम वाला पार्ट बच्चों, दो सेम पार्ट है जो कि अभी हमने पढ़ा। ये आपका अल्फा ग्लूकोस है, एक आपका बीटा ग्लूकोस है। अल्फा ग्लूकोस में आपका पहले कार्बन आपको OH राइट साइड में आएगा, बीटा में आपको OH लेफ्ट साइड में आएगा, और बाकी पूरा सेम है। इसलिए हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे एनोमरिक कार्बन कहते हैं। ये पार्ट आपके भी हो गया। सर हेमिएसिटल क्या होता है? हेमिएसिटल क्या होता है? तो देखो हमने पढ़ा था एसिटाल के बारे में, है ना। देखो बच्चों हमने जब अल्कोहल पढ़ा था तो हमने ऐसा पढ़ा था ना कि ग्रुप ऐसा होता है सी, एक होता है OH, एक होता है सी, यहाँ पे आपका बॉन्ड, यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हम इसको हेमिएसिटल बोलते हैं, मतलब कि एसिटाल लेकिन वो आधा है, तो हम उसे आपको हेमी एसिटाल फॉर्म कहेंगे। जैसे बच्चों ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे हो क्या रहा बच्चों, ये आपका इस वाले पार्ट में ग्रुप बन रहा है ना, ज्वाइंट हो रहा है, इसमें इसे से हेमी एसिटाल कहेंगे। तो कोई बात नहीं, लास्ट जब आप क्लास खत्म होगा तो मैं अगेन आपको पूरा एग्जांपल्स आपको करवा दूंगा। तो अभी खाली आप ये ध्यान दीजिए कि खाली यहाँ पे आपका एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, बाकी हम इसको प्रॉपरली इसको देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस ओके। तो देखो यहाँ बच्चों हमने इसके बारे में देख लिया है ना, कि यह आपका अल्फा है और यह ग्लूकोस है, और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे पायरनोस स्ट्रक्चर कहते हैं, बिकॉज बच्चों ये आपका पायरान के जैसे दिखता है। तो बच्चों क्या बच्चों, ये आपका पायरान के स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए नूडल के लिए, सिंपल से बात है, ठीक है ओके। अगर यहाँ पे किसी बच्चों को भी स्ट्रक्चर में डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। स्ट्रक्चर को लेकर किसी बच्चों को डाउट आ रहा है तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ओके नहीं आ रहा, फाइन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो ये हम बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो बच्चों अगेन देखो क्या लिखा गया है, बहुत सिंपल टॉपिक है। लिखा गया बच्चों फ्रक्टोज इन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस क्यों बोला बच्चों, बिकॉज यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे आपका 6 कार्बन है, तो इसलिए हम इसको कीटोहेक्सोस कहेंगे। इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। जब मैं सुक्रोज करता हूँ तो मुझे वहां पे आपका फ्रक्टोज भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, इट इज ए नेचुरल मोनोसैकेराइड। ये क्या बच्चों, ये आपका एक नेचुरल मोनोसैकेराइड है, और कहाँ बनता है बच्चों, ये आपका फ्रूट में, हनी में और आपका वेजिटेबल्स में आता है, ठीक है ना। तो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए बस, और ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो जैसे हमने पहले पढ़ा था फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे C6H12O5 होगा ना बच्चा, C6H12O5 आएगा। अब देखो ये हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो बच्चा खाली आपको ये बात ये ध्यान रखना है, इसमें भी आपका 6 कार्बन आएगा, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और ये 6 कार्बन। तो बच्चों 6 कार्बन ड्रॉ कर दिया, फिर आपको करना क्या है, आपको पहले कार्बन में और लास्ट कार्बन में CH2OH डालना है, मतलब कि आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ये आपका बन गया CH2OH, ये आपका बन गया CH2OH, ये बन गया। तो मैंने पहले और लास्ट वाले कार्बन पर CH2OH डाल दिया, फिर क्या बचा होगा, जो आपका सेकंड कार्बन का बचा होगा वहां पे आपका आएगा कीटोन ग्रुप, दैट इज RCOR ग्रुप, मतलब कि आपका यहाँ पे ग्रुप जुड़ा, तो ये आपका आएगा कीटोन ग्रुप। फिर क्या बचा होगा, सेम एज सच ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों H OH OH H
OH और ये H, तो क्या बना बच्चों, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, सॉरी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लिया, तो किससे बच्चों यहाँ पे कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। अब बच्चे वेरीफाई करते हैं क्या सारे सफेद, छह कार्बन आ गया, अभी हमारे पास 12 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, तो बच्चों 12 हाइड्रोजन भी है और आपका 6 ऑक्सीजन भी यहाँ पे आ गया। सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिएंगे, ये आपका फ्रक्टोज का लीनियर फॉर्म है, ये आपका सिंगल चेन वाला पार्ट है। अगेन तो बच्चों मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा और ये आपका पांचवा और ये आपका सिक्स कार्बन। तो इसमें भी क्या बच्चों, इसमें भी आपका 6 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, काफी इजी भी है और कोई दिक्कत बात नहीं है। बहुत बढ़िया ऐश्वर्या, जिया, सानवी, केशु, बुबिया, पवन, मुस्कान आ रहा है, प्रियंका, दीपिका, सानिया, टीना, अंजलि, सुहानी, यस सर। ओके तो बच्चों ये मैंने आपका फ्रुक्टोज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब बच्चा इसका साइक्लिक फॉर्म कैसे होता है बच्चों, बहुत सिंपल है, जैसे हमने ग्लूकोज में किया था, इसमें क्या बच्चा होगा, इसमें आपका फिफ्थ कार्बन में और आपका सेकंड कार्बन में क्या बच्चा होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या बच्चों का यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आपका सेकंड में और फिफ्थ में बॉन्ड होगा बच्चों। वो कैसा बनता होता बच्चों, तो ध्यान देखो बच्चों, ये क्या बच्चों O माइनस है या प्लस है, क्या बच्चों का ये जो H है बच्चों, H यहाँ पे चला जाएगा, सॉरी ये जो आपका, हाँ ये जो H है बच्चों ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो आप क्या बोलो बच्चों, ये जो H है यहाँ पे चल जाएगा तो ये आपको OH बन जाएगा, और आप क्या बोलोगे, जो आपका पांचों का जो ऑक्सीजन है और जो सेकंड वहां पे आपका बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा आपका बॉन्ड फॉर्म होगा ऐसा, ठीक है। और सेम बच्चों जैसे अगर आपको OH राइट साइड में तो आपको डाउन करना है, अगर आपको OH राइट साइड में लेफ्ट साइड में हो तो आप उसको अप करना है, तो वैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है सारे बच्चे। Yes, तो sir, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर इसमें भी होते हैं अल्फा और बीटा फ्रक्टोज? हाँ हाँ वो भी मैं आपको नीचे कराने वाला हूँ, वो भी मैं आपको कराने वाला। Yes, sir. सिंपल है, अगेन सर डिफिकल्ट बहुत सिंपल होता है तो नीचे आएगा तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। तो कर लिया हमने, आगे करवा दो आप। अब देख बच्चों यहाँ पे आपको दो टाइप का चीज दिख रहा होगा। अब बच्चों मैं थोड़ा इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, नीचे ले जाके उसको कॉपी कर देता हूँ, तो आपको ना इजी समझने के लिए, तो यहाँ पे कॉपी कर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या आप सबको दिख रहा है अच्छे से? यस सर। अब देख बच्चों देखो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया देखो बच्चो, इट ऑल्सो एग्जिस्ट टू साइक्लिक फॉर्म विच इज ऑब्टेन बाय द डी माइनस फ्रक्टोज। अब बच्चे बोलोगे यहाँ पे माइनस क्या बच्चों आया, बिकॉज अब क्या बोलोगे जो फ्रक्टोज क्या बच्चों, ये आपका प्लेन पोलराइज साइड को लेफ्ट साइड रोटेट करता है, इसलिए वहां पे आपका माइनस आया। बिकॉज बच्चों यहाँ माइनस क्यों आया ब्रैकेट में क्यों आया बच्चों आया, बिकॉज जो आपका फ्रक्टोज वो आपका प्लेन पोलराइज साइड को उसको लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, तो क्या बच्चों का इस टाइम ये पार्ट करेंगे। अब यहाँ पे तो बच्चों देखो, द रिंग थस फॉर्म बाय द फाइव मेंबर रिंग एंड इट इज कॉल्ड द, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे फ्यूरोनोस, हम इसे फ्यूरोनोस रिंग कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका पांच छह का बनेगा, और हम क्या बोलेंगे बच्चों बोलेंगे हम, यहाँ पे आपका दो फॉर्म होगा, इसमें भी आपका होगा एक अल्फा फॉर्म होगा एक आपका बीटा फॉर्म आएगा, बाकी पार्ट आपको आपको प्रॉपर यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है सर बच्चे, डन। यस सर। यस सर। ओके अब बच्चों कैसे होगा ध्यान समझो, मैंने क्या बोला बच्चों देखो, मैंने क्या बोला देखो कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको देखना कि ये जो फिफ्थ कार्बन है यहाँ पे आपको दो फिफ्थ कार्बन पे और सेकंड कार्बन में आपका बॉन्ड बनने वाला है, सेकंड पे और फिफ्थ कार्बन में बॉन्ड बनेगा, तो क्या बचोगा यहाँ पे जो आपका ओ नेगेटिव होगा
तो आपका ओएच बन जाएगा, है ना, आपका ओएच बन जाएगा और आपका बॉन्ड बन जाएगा। तो सब कैसे करोगे, ध्यान दो बच्चों, ध्यान समझना। तो करने के बच्चों बहुत सिंपल है, आपको है ना ऐसे फिरोना रिंग, आपको ऐसा रिंग बनाना है, आपको ऐसे रिंग बनाना है। इसे हम क्या बोले बच्चों, बोलोगे इसे हम आपका फिरोनोस रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे हम इसे, फिरोनोस रिंग हम कहेंगे। अब देखो बच्चों ध्यान समझ, हम कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो ओ नेगेटिव था और एच पॉजिटिव था, अब क्या बच्चों का यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका हो गया OH। और क्या बच्चों हुआ, इस ऑक्सीजन का और इस इसका कार्बन का बॉन्ड बन गया, राइट, यहाँ पे आपका बॉन्ड। अब बच्चे करते हैं हम इसको पूरा, हम इसको मिटाते हैं, हम इसको नंबरिंग को मिटाते हैं। तो नंबरिंग मिटाते बच्चों, है ना, नंबरिंग मिटाते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान समझ, हम कैसे कर रहे हैं, अगेन देखो बच्चों समझा रहा हूँ, ध्यान समझो, प्रॉपर समझो, बता दो। अगेन वन आ गया, ये टू आ गया, ये थ्री आ गया, ये फोर और ये फाइव आ गया और ये आपका सिक्स आ गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी हम इसमें यहाँ पे नंबरिंग देन चालू करेंगे, ठीक है, ओके। तो कैसे देंगे बच्चों, देंगे वन टू थ्री, सॉरी यहां से काउंट करो बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव, है ना, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे में स्टार्ट कर देंगे ना, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बच्चों, देखो यहाँ पे क्या बच्चों, देखो ये जो ऑक्सीजन वाला पॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, OH कहाँ पे आ रहा है, OH कहाँ पे आ रहा है बच्चों, हेलो, सेकंड कार्बन के साथ, सेकंड कार्बन के साथ। देखो अगर मैं यहाँ पे देखो बच्चों, देखो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, ये फाइव आ गया। अब देखो बच्चों जहां पे ये सेकंड कार्बन बना, सेकंड कार्बन OH कहाँ पे बच्चों, राइट साइड में ना, यस सर, यस सर। अगर वो राइट साइड में है तो क्या बच्चों का हम उसे कैसे दिखाएंगे, हम उसे दिखाएं डाउन, तो OH राइट, OH नीचे आ गया और आपका क्या बच्चों, सी एच टू क्या बच्चों, वो आपका लेफ्ट में, तो ये ऊपर आ जाएगा, यह आ जाएगा सी एच टू OH। अब देखो जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन में राइट साइड में क्या है बच्चों, हाइड्रोजन, तो क्या बोलो बच्चों, OH कहाँ पे जाएगा, एच कहाँ पे जाएगा बच्चों, नीचे एच जाएगा, एच नीचे जाएगा, OH जाएगा ऊपर। अब देखो बच्चों सेम फिफ्थ फोर्थ कार्बन, फोर्थ OH कहाँ बच्चों, राइट साइड में, तो ये जाएगा OH नीचे और एच जाएगा ऊपर, ठीक है बच्चों। अब देखो फिफ्थ कार्बन, अब फिफ्थ कार्बन में क्या जुड़ा है बच्चों, देखो फिफ्थ कार्बन आपको जुड़ा है एच और यहाँ पे आपका है सी एच टू OH। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, सी एच टू OH को आपको ऊपर करना है, तो बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे आएगा सी एच टू OH और यहाँ पे आएगा एच, तो क्या बना बच्चों, ये आपने फ्रक्टोज का साइक्लिक फॉर्म आपने प्रॉपरली बना दिया, हो गया। ऐसे हम इसको प्रॉपरली कर रहे हैं, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों इस पार्ट को, देखो जैसे, है ना, इसको बच्चा आपको प्रॉपर समझने में पार्ट कैसे करें। अगेन बोल रहा हूँ सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, गारंटी। खाली आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे हो क्या बच्चों, हो क्या, देखो ये जो सी एच टू बच्चों का, ये आपका इस साइड पे आ जा रहा है, सेम इस साइड आ रहा है, तो क्या बच्चों OH राइट साइड में आ गया, सी एच OH आपका लेफ्ट साइड में आ गया, सेम वही पार्ट हो रहा है, समझ रहे सारे बच्चे, देखो बच्चों अल्फा में OH राइट साइड में, बीटा में OH लेफ्ट साइड में, इतने पार्ट है, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने यहाँ पे इसका साइक्लिक फॉर्म बना दिया, तो सारे बच्चे इसको ना प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे। समझ समझ करना, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछो, अगेन समझा दूंगा, प्लीज समझो। पर
सारे बच्चे सर हो गया सर, समझ में भी आया? हाँ कोई बात, समझ करो। थैंक यू साइना। सर साइना नहीं है वो, सानिया है। हाँ वो थोड़ा फंबल हो जाता है ना फेस मेरे, वहां हो जाता है, क्या करें, माफ कर देना बच्चा आपको, बार बार मैं गलत नाम दे रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, साइना भी कितना अच्छा नेम है। सही बोला, सही बोला। सर हो गया। ओके बहुत बढ़िया, हो गया। चलो तो बच्चों अगेन मैं वापस आपको वही चीज कह रहा हूँ जो मैंने आपको कहा था, अगर आपको पार्ट समझ में आ गया तो आप सोचो कि आपने चैप्टर का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कर लिया, ठीक है? ये पार्ट तो बच्चों हो गया पार्ट, आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये देखो ये क्या बच्चों, ये आपका साइक्लिक फॉर्म है। देखो बच्चों क्या बच्चों, आपका साइक्लिक फॉर्म है, अल्फा डी फक्टोस और आपका बीटा डी फक्टोस। यहाँ पे लिखा है बच्चों, लिखा है फक्टोस फ्यूरिनोस, लिखा मतलब कि आपका पांच मरीज से आपको फ्यूरिनोस बोल रहे हैं, तो इसको आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा किस किस हो रहा है, ठीक है सारे बच्चे? डन। यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगेन बता रहा हूँ, ध्यान समझो कैसे रहता है, फास्ट कर रहा हूँ, ध्यान समझना। फ्रक्टोज का फॉर्म होता है C6H12O6, छह कार्बन ड्रॉ करो, फर्स्ट और लास्ट में CH2OH लिखो, सेकंड पे डालो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब क्या करोगे बच्चों, करोगे OH, OH राइट में, लेफ्ट में H, OH, OH, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान देना है। तो अगर मैं भी चाहे तो क्या मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, तो देखो बच्चों, हाँ नहीं बच्चों देखो यहाँ पे OH दोनों राइट साइड में है, OH यहाँ पे दोनों राइट साइड में, इससे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इससे ध्यान रखना पड़ेगा। पहला आपका OH लेफ्ट साइड में, फिर आपका राइट साइड में आता है, पहला लेफ्ट साइड में, फिर आपका OH राइट साइड में, तो क्या बच्चों आएगा अगर मिटाओ इसको, क्या करोगे एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच। तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा, ये पार्ट आ गया। अब क्या बच्चों का पहले कार्बन में सेकंड कार्बन आपको बॉन्ड बनाना है, सॉरी फिफ्थ कार्बन बॉन्ड बनाना है, कैसे करो बच्चों, ये माइनस हुआ, ये एच प्लस हुआ, नेगेटिव और ये बना पॉजिटिव, तो क्या बच्चों का ऑक्सीजन और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा, और एच का बजाय बच्चों ये एच बनेगा, यहाँ पे ओएच बन गया। तो अब क्या बोलोगे बच्चों, जो आपका सेकंड कार्बन है वहां पे क्या बच्चों ओएच राइट साइड में, CH2OH लेफ्ट साइड में लिख दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, समझ जाए। देखो ऐसे आपको प्रॉपर यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हो गया काम, ठीक है? तो ऐसे आपने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, फिर क्या बच्चों फाइव मेंबरिंग बनाओ, फिर आप करते जाओ, फिर आपको हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सब खत्म हो गया। देखो कैसे करो बच्चों, तो करो आप यहाँ पे एक ऐसे बॉन्ड दिखाओगे, अब आप क्या कर सकते हो, बच कर सकते हो कि पहले अगर मैं आपको OH राइट साइड में और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया, इसको राइट मानो, इसको आप लेफ्ट मानो, फिर आप इसको स्ट्रक्चर बना दे जाओ, जो राइट में वो डाउन होगा, अगर जो लेफ्ट में वो आपका अप जाएगा, पूरा आपका सेम पार्ट है, समझे बच्चों? ये जो आपका CH2 बच्चों कैसे कैसे आएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा CH2 ऐसा बन जाएगा, ऐसा होगा। देखो यहाँ पे मैंने आपका यहाँ पे फाइव मेंबरिंग बना दिया, ठीक है? ऐसे आप इसको करोगे। यस सर। दीपिका, सुहानी, आंचल, अंजलि, प्रियंका, पलक, तन्वी, आ रहा अच्छे से बच्चों, कैसे हम कर रहे हैं?
पलक। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले, बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में। अगेन बोलो बच्चों, बहुत सारा बहुत सिंपल है। अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया और आपको फ्रुक्टोज फॉर्मूला आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ध्यान समझना। तो डाइसैकेराइड क्या होता है बच्चों, वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे मैंने उसको हाइड्रोलाइज किया तो आपको वहां पे दो मोनोसाइड मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, तो क्या इसका बोलते हैं बच्चों, इसे हम कहेंगे टू मोनोसाइड होता है। अब होता है बच्चों, ये जो आपका दो मोनोसाइड होते हैं बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड जुड़ा होता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। क्या बोलते हैं हम उसे, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कहते हैं। दैट इज द टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सच चलिए क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे हम इसे ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। लिंकेज कहेंगे। लिंकेज तो बच्चा अभी आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहला हम पढ़ने वाले हैं सुक्रोज, ये हमारा पहला डाइसैकेराइड है। दूसरा हम पढ़ेंगे माल्टोस और तीसरा हम पढ़ेंगे लैक्टोस। लैक्टोज तो ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान समझना, बहुत मजेदार है। जो चीज बोलूंगा उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, सर सिंपल। क्या आई वोट नहीं पढ़ना बोला बच्चा, सर राइबोज आई ना बच्चा, आप खाली राइबोज का स्ट्रक्चर ध्यान रखो कि राइबोज से पांच कार्बन होते बस, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पूरा पार्ट नहीं दिया गया। राइबोज से पांच कार्बन होता है, ऊपर आपका एल्डिहाइड है, नीचे आपका CH2OH, ये आपको हो गया राइबोज, खत्म। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं ये पार्ट। अब बच्चों यहाँ पे टर्म आएगा, इसको आप इसको ध्यान रखना, यहाँ बच्चों दो लिखा गया है, इसे हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो क्या लिखा है बच्चों, देखो लिखा है इन डाइसैकेराइड इफ रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ मोनोसैकेराइड दैट दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक आर बॉन्डेड, अगर वो आपस से बॉन्ड बनाए हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन बच्चों होता क्या है, कुछ शुगर है जिसमें क्या होता है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है क्या बच्चों, आपको फ्री होता है। मतलब क्या बच्चों, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा या क्यों वो आपका फ्री होगा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल क्या बच्चों, माल्टोस एंड लैक्टोस, इसको आप अभी नोट डाउन कर लीजिए। कैसे करो बच्चों, अगेन अगेन बता रहा हूं आपको, यहां से लेके यहां तक नोट डाउन करना है, ये करना लिखना है, और आपको लिखना है एल्डिहाइडिक और कीटोन ग्रुप आर बाउंडेड, जुड़ा हुआ है, और एग्जाम्पल लिखना है। रिड्यूसिंग में क्या बचाएगा, फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री, तो आ गया रिड्यूसिंग ग्रुप। एग्जाम्पल क्या बच्चों, माल्टोस एंड लैक्टोस। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। सर यस सर, कोई बात प्रियंका, अंजलि, बाकी सारे बच्चे सही बार में यस पल्लवी, सर ओके ठीक है। सर हो गया अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये ध्यान रखो, यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये क्या लिखा बच्चों, लिखा गया देखो, लिखा गया यहाँ पे आपको पूरा पार्ट यहाँ पे बताया गया है, जो सुक्रोज से वो आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना गया है। यस सर, और कैसे फ्रुक्टोज देखो, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है और इसका माइनस, माइनस।
इसका मतलब क्या बच्चों होता है, एक आपका प्लेन राइट साइड कर रहा है, एक आपका प्लेन को लेफ्ट साइड कर रहा है। और बच्चों जो हम सुक्रोज पर जो लेते हैं उसमें क्या लेते हैं बच्चों, लेते हैं हम यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज लेते हैं, जो आप ग्लूकोज कैसा बचोगा वो आपका सॉरी वो आपका होगा अल्फा डी ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज जो कैसे लोग बचोगे वो आपका होगा अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब बच्चों आपको ओएच कहाँ है बच्चों, आपका जो ओएच है पहले कार्बन वो आपका है राइट साइड में है, बच्चों आ रहा है ये आ रहा आपका ग्लूकोज के बारे में। और क्या बच्चों जो आप फ्रुक्टोज लोगे, फ्रुक्टोज जैसे बच्चों वो आपका है बीटा डी फ्रुक्टोज, वो आपका बीटा डी फ्रुक्टोज है ना। अब बच्चों यहाँ पे होता क्या ध्यान समझो, यहाँ पे होता क्या ध्यान समझो, ठीक है ध्यान समझो यहाँ पे क्यों रहा है, एच ऊपर है नीचे क्या बच्चों आएगा, ये नीचे आएगा ओएच, यहाँ पे क्या बच्चों होगा यहाँ पे होगा सी एच टू एच, और यहाँ पे क्या बच्चों आएगा अच्छा क्या है ओच है ना सी एच टू एच आएगा। अब क्या बच्चों होगा, अब क्या बच्चों होगा, अब यहाँ पे क्या बोलोगे, यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल से निकल जाएगा और क्या बच्चों होगा देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इसका बॉन्ड बनेगा, इससे हम क्या बोलते बच्चों इससे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिलिक एसिड, क्या ग्लाइकोसिलिक बनता है। और ये कहां बन रहा है बच्चों, ये आपका ग्लूकोज का पहला कार्बन बन रहा है, ये ग्लूकोज का पहला कार्बन है और फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन है। अगेन बोलो बच्चों, ग्लूकोज का पहला कार्बन, फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन, दूसरा जो ग्लूकोज है वो कैसा ग्लूकोज है बच्चों, वो आपका है अल्फा, फ्रुक्टोज किसका बच्चों बच्चों वो आपका है बीटा, बीटा और वो आपका क्या बच्चों वाटर मॉलिक्यूल, और आप यहाँ पे ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बन रहा है। और देखो बच्चों यहाँ पे आपको कोई बच्चों जो आपका एल्डिहाइड और कितने बच्चों कैसा है, ये आपका बॉन्डेड है, ये आपका बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या बच्चों ये आपका फ्री नहीं है, हम क्या बोलेंगे इससे बोलेंगे सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग सुगर, बिकॉज ये आपका बॉन्ड, ये आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है और कितने वो आपका बाउंड है यहाँ पर वो फ्री नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बच्चों इसको आप है ना नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। हाँ एग्जाम आएगा तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने आपको दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बता दिया है, अगर आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, कैसे हम बनाते हैं, जो राइट साइड में होगा वो डाउन में जाएगा, जो लेफ्ट साइड में होगा वो आपका उप जाएगा। अगर आपका सी एच टू ओएच ग्रुप अगर आपका पांचों कार्बन में है तो सी एच टू ओएच आपका ऊपर होगा और एच ओएच आपका नीचे होगा, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपल। सारे बच्चे पहले नोट डाउन, सारे बच्चे कर लो। अगेन बोलो बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, पहला कार्बन और सेकंड कार्बन फ्रुक्टोज का बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिड लिंकेज वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो क्या लिखा देखो बच्चों, सिंस रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर इन्वॉल्वड इन द ग्लाइकोसिड बॉन्ड, वो कैसा बच्चों फ्री नहीं है, तो ये आपका है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सिंपल। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये जो पॉइंट से इसको नोट कर लो, बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। ज्यादा पढ़ना ही नहीं है,
अगर हो जाए बच्चों तो प्लीज आप थम्स अप डाल देना। ओके दो लोग का हो गया, बहुत बढ़िया। ओके बाकी सारे बच्चे, जिया, दीपिका, सुहानी, आंचल, अंजलि, हो रहा है? ओके यस बहुत बढ़िया। अब बच्चों इसके बारे में और कुछ पढ़, शुक्र इसके बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं। और क्या बच्चों देखो पढ़ना दिया, ये ध्यान दो क्या लिखा है बच्चों, देखो क्या लिखा है, ये ध्यान दो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों दैट सुक्रोस इज डेक्सट्रोरोटी। क्या बच्चों ये आपका डेक्सट्रोरोटी है, बोले क्या बच्चों, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस डेक्सट्रोग्लूकोस, क्या बोले बच्चों, बोला है डेक्सट्रोग्लूकोस, मतलब क्या बच्चों ये आपका लाइट को राइट साइड रोल कर रहा है। और क्या लिखा बच्चों, लिखा है लेवोफोटोज, क्या लिखा बच्चों, लिखा है जो आपका फोटो बच्चों ये आपका -92.4 पे माइनस घुमा रहा है, ग्लूकोज के बच्चों ये आपका प्लस 52.5 पे घुमा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर हम इसको दोनों ऐड करेंगे तो आप क्या बोलोगे, ये इसका आंसर क्या बच्चों, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस में, नेगेटिव आएगा बच्चों, है ना। देखो क्या लिखा है, द मिक्सचर इज लेवो, देयरफॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। रोटेशन क्या बच्चों, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो दैट इज प्लस टू लेवो दैट इज माइनस। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम इसे बोलते हैं इनवर्ट शुगर, मतलब इसका इनवर्ट इनवर्ट कर दे रहा है। सुक्रोज पहले प्लस था, सुक्रोज पहले प्लस था, फिर क्या हुआ, जैसे मैंने उसको हाइड्रोलाइज कर दिया क्या हुआ बच्चों, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बना, ग्लूकोज का 52.5 सॉरी फ्रुक्टोज का -24, तो एकदम इसको ऐड करते बच्चों आपका माइनस साइन आएगा। तो मतलब बच्चों जो आपका मिक्सचर कैसा बच्चों होगा, आपका होगा लेवो रोटेटरी। तो इससे क्या बच्चों हुआ, पहले प्लस से माइनस बन रहा है, इसलिए क्या बोलते बच्चों, इसे बोलते हैं इनवर्ट शुगर, इसलिए हम इसे इनवर्ट शुगर कहते हैं। तो बच्चों अगेन जो वैल्यूज है उसको आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा सारे बच्चे। मजा रहा, हार्ड नहीं है ना, सिंपल लग रहा है ना, सिंपल है बच्चा, खाली आपको बोलते ना एबीसीडी याद कर लो, या फिर बोलूंगा कि उसको पता होना चाहिए, फिर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, सिंपल सा है, ऐसा ही होता है, कुछ चेंज करने की बात नहीं, खाली आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और किसमें क्या यूज हो रहा है, ग्लूकोज में आपका अल्फा डी हो रहा है और फ्रक्टोज में आपका बीटा डी हो रहा है, बीटा डी फ्रक्टोज हो रहा है, बस इतना पता होना चाहिए और कुछ नहीं। हो गया पवन, साइना, नैंसी, जिया, हो गया टीना, बाकी सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखे बच्चों, लिखा देखो लिखा गया है ये मुझे आंसर देंगी ऐश्वर्या, ऐश्वर्या आप आंसर दोगे, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ बिहेवियर हाइड्रोलिसिस आल्सो एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। अभी हमें ये बताना है सुक्रोज में से क्या है, क्या वो मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो ऐश्वर्या आप मुझे बताएं क्या इसमें क्या क्या आंसर आ गया आपका, सर डाइसैकेराइड, एकदम सही। दूसरा तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन टू एंड फोर आर द राइट ऑप्शन, वो क्या बच्चों आपका राइट ऑप्शन है, समझ रहे हैं ये भाई, गलती मत करना एग्जाम में, हम नॉन रिड्यूसिंग बोल रहे हैं, आप रिड्यूसिंग मत मार के आ जाना, ये ध्यान रखना, ठीक है।
यस और ऐसे सेम क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आता है जेई में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब देख बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। क्या लिखा है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसका आंसर देंगे मुझे देंगे टीना। खल दिखने बड़ा है, बहुत बहुत सिंपल है देख देख के यहाँ, चक्कर आ जाते चलते। यस इसलिए बोल रहा हूँ दिखने बड़ा है, बहुत सिंपल है। देखो एक डाइसैकेराइड है जिसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, एंड वो क्या बच्चों, वो आपका नॉन रिड्यूस्ड शुगर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इसे नॉन रिड्यूस्ड शुगर, कौन सा आपका नॉन शुगर होता है बच्चों? आप बोले सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है? सर सुक्रोज में क्या सेकंड क्या होता वाला है बच्चों का? ऑप्शन आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या बच्चों आएगा, इसमें आपका ग्लूकोस आएगा और फ्रुक्टोस आएगा। तो बच्चों देखो बाकी सब में क्या बच्चों, बाकी सब में तो आपका छह छह कार्बन का आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन नहीं है बच्चा। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चों, बिकॉज ये क्या है, ये आपका सुक्रोज है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चे? यस खाली इतना ही पार्ट आपको ध्यान से प्रॉपरली पढ़ाई करना है और कुछ नहीं। ओके आगे बढ़ो। सर अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे आपका माल्टोल्टोस के बारे में। अगेन बोल रहा हूँ सिंपल है, ध्यान समझना। अब बच्चों जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ध्यान उतना लिख रहा हूँ, कुछ मत करना। जब हम माल्टोस की बात करें बच्चों, जब हम माल्टोस को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। अगर मैंने माल्टोस किया हाइड्रोलिसिस तो क्या बनेगा, ग्लूकोस और ग्लूकोस बनेगा। हम यहाँ पे किस टाइप ग्लूकोस लेते हैं बच्चों? लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं अल्फा डी लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस। नहीं दोनों अल्फा ही है, हाँ दोनों अल्फा यस है, दोनों ही अल्फा है। तो लिखो बच्चों टू अल्फा डी ग्लूकोस, दोनों अल्फा ही है। क्या बच्चों? दोनों ही अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी आपका अल्फा डी ही है। दूसरा क्या बच्चों, यहाँ पे जो आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है बच्चों? C1 और C2 पे। पहले कार्बन पे और आपका चौथे कार्बन पे। और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे जो आपका फंक्शन ऊपर था, ये क्या बच्चों यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो क्या फ्री बच्चों फ्री है, वो आपका फ्री है। तो क्या हो बच्चों का, ये होगा इसलिए आपका होगा, रिड्यूसिंग इससे बोलेंगे, सॉल्यूशन इससे हम आपका रिड्यूसिंग सॉल्यूशन। रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। जो आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बन रहा है वो कहाँ बन रहा है बच्चों? वो आपका पहले कार्बन पे और आपका चौथे कार्बन बन रहा है, इतना ध्यान रखना है। और ये आपका रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज बच्चों यहाँ पे आपका फंक्शन आपका फ्री है, यहाँ पे फ्री है, सिंपल। इतना आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? नो सर यस तो जल्दी जल्दी आप आराम से इसको डंक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बस हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा आपके साथ। पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। माल्टोस में दोनों अल्फा डी होते हैं, पहले कार्बन पे और चौथे कार्बन पे। पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरे ग्लूकोज चौथा कार्बन, वहां पे आपका ग्लाइकोस लिंकेज होता है, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है, बिकॉज यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग ग्रुप आपको फ्री है, सिंपल। तो ये आपका माल्टोस है। जल्दी जल्दी भी आराम आराम से भी, कैसे जल्दी जल्दी, ऐसे कि आपको समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आराम आराम से, क्या आराम आराम से उड़न करो, बस इतना मैं कह रहा। यह आपका आ गया माल्टोस। जब हो जाए तो मुझे थम्सअप डाल देना सारे बच्चे, देखो मुझे बोल गया हो गया सर, तो हम आगे बढ़ेंगे। हो गए सर यस सर मुस्कान आपका हुआ, साने आपका हुआ, सुहाने आपका हुआ, क्या यस अंजलि, सर
ऐश्वर्या हुआ आपका पलक। यस सर। तो बच्चा हमने पढ़ा आपका माल्टोस के बारे में। अब बच्चा आगे क्या करेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं। सर मैं तो लिखा नहीं है, ओके नोट से लिखोगे फाइन। अब बच्चा क्या पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं लैक्टोज के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे खाली यह बात आपको ये समझना है, जो आपका लैक्टोज होता है हम इसे मिल्क शुगर कहते हैं। अब बच्चों जब मैंने लैक्टोज किया हाइड्रोलिसिस तो क्या बने बच्चों, मेरा ग्लूकोज बनता है और प्लस मेरे यहाँ पे गैलेक्टोज बनता है। क्या बनता है बच्चों, मेरे यहाँ पे गैलेक्टोज बनता है। अभी आप बोलोगे सर गैलेक्टोज, हाँ अभी आप बोलोगे सर गैलेक्टोज क्या होता है। तो बच्चा अभी खाली यहाँ पे ये होता बच्चों, जो ग्लूकोज है, जो आपका ग्लूकोज है और जो आपका गैलेक्टोज है, इन दोनों इन सब का सेम फॉर्मूला है, इन सब इन दोनों का सेम फॉर्मूला है। फर्क क्या बच्चों, फर्क ये है कि जो ग्लूकोज में आपका जो OH होता है वो आपका राइट साइड में होता है, और जो आपका गैलेक्टोज होता है बच्चों, गैलेक्टोज में आपका जो फोर्थ का, यहाँ पे मैं आपका C4, यहाँ पे मैं फोर्थ कर मत कर रहा हूँ, गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पे आपका जो OH होता है वो आपका होता है लेफ्ट साइड। बस इतना फर्क है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये भाई साहब क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे गैलेक्टोज का पहला कार्बन, गैलेक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन, उसमें आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनेगा, वहां पे आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे क्या बच्चों देखो, इसमें भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, ये आपका फ्री ग्रुप है, ये आपका फ्री है, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। देखो बच्चों सब कुछ सेम है, देखो एच नीचे है, एच नीचे है, OH ऊपर है, OH ऊपर है, सेकंड देखो बच्चों OH नीचे है, OH नीचे है, थर्ड में आपका एच नीचे है, एच नीचे, फोर्थ में फर्क है बच्चा, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में इसका OH ऊपर आता है, ग्लूकोज में OH नीचे आता है, बाकी पूरा पार्ट आपका सेम आएगा। तो यह आपका गैलेक्टोज है, यह आपका गैलेक्टोसल पार्ट आएगा। तो ये आपका लैक्टोज के बारे में जो पढ़ा था ये हमने पढ़ा कि अगर मैं लैक्टोज का क्या बने बच्चों, मुझे मिलेगा मुझे यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सॉरी ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा, गैलेक्टोज का पहला कार्बन, ग्लूकोज का चौथा कार्बन में आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे किस टाइप का ले रहे बच्चों, हम यहाँ लेते हैं बीटा डी गैलेक्टोज और लेते हैं यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे हम बीटा डी गैलेक्टोज होता है और यहाँ पे हम बीटा डी ग्लूकोज होता है, इतना आपको ध्यान रखना। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे आपका जो दोनों कैसे बचोगा, ये भी आपका बीटा होगा और ये भी आपका बीटा फॉर्म होगा, इतना ध्यान रखना। यस सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, है ना, है, मैं दिखा, मैं अभी अभी करा देता हूँ, अभी नोट डाउन कर लो फिर मैं करा देता आपको, एक बार नोट डाउन कर लो फिर मैं करा देता आपको। और वो भी JW क्या है, डोंट वरी, हो जाए तो मुझे बोल देना, वैसे टाइम भी खत्म हो गया पर कोई बात नहीं, हम 2 मिनट थोड़ा खींचते हैं, ठीक है ना, फिर हम बात एंड करेंगे इसको। हो गया सर, बाकी सारे बच्चे ओके, बहुत बढ़िया। बहुत से बच्चों, अब अच्छा देखो इस टाइप से क्वेश्चन दिखते हैं
सर ये इसके लिंकेज के बीच में जेड क्यों बना हुआ है? कहाँ जेड बना है सर? ये जो है ऑक्सी, अरे दिखाया है सर, अरे 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 ये दिखाया है, मतलब कैसा ये, मतलब ऐसा दिखाया है, ऐसा हो रहा है, मतलब क्या सर? ओएच ऊपर है ना, इसका ओएच ऊपर, इसका ओएच नीचे है, तो वाटर ऐसे निकलेगा, तो इसलिए ऐसे ऐसे बोर्ड बना दिया। ठीक है, डोंट वरी। अब देखो क्वेश्चन, देखो तो बता बता रहा, ठीक है? देखो क्वेश्चन दिख रहा है, ये होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, अगेन बोल रहा हूँ, अगेन बोलो, बहुत सिंपल है कि अगर मैं उसको हाइड्रोज से तो मैं क्या बने, माल्टोस से तो क्या बनता है, तो ये आपका अरे भाई माल्टोस हो तो क्या लोगे, माल्टोस से क्या बनेगा? ग्लूकोस माल्टोस से ग्लूकोस बनता है। यस सर माल्टोस से ग्लूकोस बनता है। अगेन 2019 में क्वेश्चन बच्चों, देखो यहाँ पे आपका सीओन आना चाहिए, यहाँ पे सीओन, यहाँ पे ऑप्शन में सीओन आएगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सुक्रोज के लिए गलत, कौन सा नॉट ट्रू है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपका सीओन है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। सर ये तो सारे ठीक लग रहे हैं सर, फर्स्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट वाले में थोड़ा सा डाउट है मेरे को भी। फर्स्ट पर एक बार, फर्स्ट वाला कौन सा, फर्स्ट वाला ये वाला नहीं सर, दूसरा क्वेश्चन सर, व्हाट स्टेटमेंट वाला? अच्छा स्टेटमेंट वाला, यस सर। अरे ये भी सिंपल है, पढ़ना तो आ जाएगा सर इसका फर्स्ट। ये तो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया कैसे, जेडब्ल्यू 2016 का शायद होगा। ग्लूकोस और एडिड कैसे, कहां पे आपका बीपी फोर होता है, सी4 ऐसे देखो, ये दिख रहा है? यस सर, आंसर भी दे दिया, और इस समय एपिमर्स कहता है, वो भी मेरा पे इसको बताने वाला था, कोई बात टाइम नहीं, कोई बात हम इसको बाद में करेंगे। तो ये आ गया, ये देखो ये पूछा था जेडब्ल्यू 2023 में, सेलुलोज से क्या, सेलुलोज से क्या बनेगा, तो ये आपको बेसिक बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल सिंपल पार्ट है। अगेन बोल रहा हूँ, देखो क्या बचा बच्चों, एक तो ग्लाइकोजन बचा सिंपल, एक एक दो लाइन नोट करूंगा, एक आपका सेलुलोज बचा, सेलुलोज में क्या होता बच्चों, होता है ये आ जाता है बीटा डी ग्लूकोस। एमिलोपेक्टिन में क्या होता है, कहाँ कहाँ आपका बॉन्ड बनता है, तो ये आपको बताऊंगा, आपको बताऊंगा। एमाइलोस में क्या बनता है, तो वहां पे कहाँ बॉन्ड बनेगा, ये बताऊंगा। बस हो गया, इतने पार्ट है। तो बच्चों बाकी जो पार्ट है हम इसको डिस्कस करेंगे, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो भी कर दूंगा, और मैं आपको पेज भेजूं, वहां पोस्ट कर लेना, सिंपल सर, ठीक है? तो बच्चों yes, हम यहाँ पे क्लास अटेंड करते हैं, आई होप आपको क्लास से मजा होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा। बाय सर, बाय।